अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास फोर स्टूडेंट्स, आपको साइंस के लेक्चर नंबर सिक्स के अंदर खुश आमदीद है। आज हम उससे आगे रीडिंग करेंगे और इसके साथ साथ आप लोगों ने इसको कॉपी वर्क भी करना है। दो डेफिनेशन हमने पहले कर ली थी, जिनमें से एक थी हर्बीवोर्स, ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ घास खाते हैं, और उसके बाद था कार्निवोर्स, ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ गोश्त खाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ओमनीवोर्स की। ओमनीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो दोनों चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, मतलब घास भी खाते हैं, घास या इस तरह की चीज़ें जो सब्जियात वगैरह वो भी खा लेते हैं, और गोश्त वगैरह भी खा लेते हैं। इंसान भी ऐसा ही एक एनिमल्स की लिस्ट में आएगा जो कि दोनों चीज़ें इस्तेमाल करता है, सब्जियां वगैरह भी, जिनको आप कह सकते हैं वेजिटेबल्स वगैरह, और इसके साथ गोश्त भी इस्तेमाल करता है। ह्यूमन बीइंग्स एंड सम एनिमल्स, इंसान और कुछ जानवर, एंड बर्ड्स, और कुछ बर्ड्स भी हैं ऐसे, ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऐसे हैं जो दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं, दे आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। तो ये डेफिनेशन होगी ओमनीवोर्स की। तो ये आपने अपनी कॉपी के ऊपर लिखना है, इतना आपका कॉपी वर्क है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल बियर, हैंस एंड क्रोज, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओमनीवोर्स। ठीक है बेटा, तो ये आपकी एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है ओमनीवोर्स की, ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को, मतलब कि मीट वगैरह भी खाते हैं। ह्यूमन बीइंग इज आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। ह्यूमन बीइंग्स ही आर ओमनीवोर्स, जैसे आप सब्जियात खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, और चिकन वगैरह, मटन वगैरह भी खा लेते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, ओमनीवोर्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी एनर्जी फॉर लिविंग थिंग्स। जो भी चीज़ ज़िंदा है, चाहे वो पौधे हैं, चाहे वो जानवर हैं, इंसान हैं, उन्हें एनर्जी चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी, ताकत चाहिए। दे ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम फूड, तो कैसे एनर्जी हासिल होती है जी, फूड से, खाने से। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, ये भी एक क्वेश्चन है, प्रोड्यूसर्स किन्हें बोलते हैं, तो ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, ये भी आप डेफिनेशन जो है वो याद रखेंगे। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, क्यों, क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं, बल्कि दूसरे एनिमल्स के लिए भी खाना बना रहे होते हैं। बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड, क्योंकि वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। दे यूज सनलाइट, खुराक कैसे बनाएंगे, सनलाइट इस्तेमाल करेंगे। सनलाइट जो इनके पत्तों पर पड़ती है, तो पत्तों के अंदर ये जो ग्रीन पत्ते में नज़र आते हैं, इनके अंदर एक स्पेशल प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं। दे यूज सनलाइट टू मेक फूड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्लांट यूज सनलाइट टू मेक देयर ओन फूड, तो ये भी इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, इसको भी आप लोगों ने याद रखना है। थोड़ी और रीडिंग करेंगे तो दो डेफिनेशंस और इसके अंदर आ जाएंगी, एक प्रोड्यूसर्स की और दूसरी जो है वो कंज्यूमर्स की। तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, क्योंकि वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, ये बात हमने सीख ली। अगली बात है जी, एनिमल्स एंड ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं। बिकॉज दे ऑब्टेन एनर्जी फ्राम प्लांट्स बाई ईटिंग दैम, तो ये कंज्यूमर्स हैं, ये एनर्जी हासिल करते हैं, दे ऑब्टेन एनर्जी, वो एनर्जी हासिल करते हैं बाई ईटिंग प्लांट्स। ठीक है, जैसे हम सब्जियात खाएंगे तो सब्जियां वगैरह खाएंगे तो वो प्लांट्स से हासिल होती हैं, तो उससे हमें एनर्जी मिलती है, बॉडी को एनर्जी मिलती है। मैनी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे छोटे जो जानदार होते हैं, सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई, फीड ऑन डेड प्लांट्स, वो कहाँ से अपना खाना लेते हैं जी, जो प्लांट्स डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, ग्रीन नहीं रहते, वो उनको अपनी खुराक बना लेते हैं। एंड एनिमल्स, और दूसरे एनिमल्स जो डेड एनिमल्स होते हैं वहाँ से भी अपनी खुराक हासिल करते हैं, बैक्टीरिया वगैरह आप देखते हैं गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं, जो भी एनिमल्स होते हैं या पौधे होते हैं पुराने, वो गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं, क्यों,
क्योंकि उनके ऊपर बैक्टीरिया होते हैं जो उनको एज ए फूड इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दे रिलीज केमिकल्स फ्राम डेड, तो जब वो उनको खाएंगे तो केमिकल्स वहाँ से निकलेंगे जो डेड ऑर्गेनिजम्स के अंदर से निकलते हैं इन टू द सॉयल, और वो जो केमिकल्स हैं वो मट्टी के अंदर शामिल हो जाएंगे। एंड सो हेल्प कीप द सॉयल फर्टाइल, और वो जो केमिकल्स ज़मीन के अंदर मट्टी के अंदर शामिल होंगे उन केमिकल्स की वजह से वो जो ज़मीन है वो ज़रखेज़ हो जाती है, और नए जो पौधे हैं उगते हैं उनके लिए खुराक का काम भी करते हैं वो केमिकल्स। दीज माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स, ये जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं बैक्टीरिया वगैरह या फंगस वगैरह होते हैं या फंजाई इसको बोल रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम कर रहे होते हैं। ये पौधों को और जो डेड एनिमल्स होते हैं एक तो उनको गल के गाल सड़ देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, और दूसरा जो केमिकल्स वो रिलीज़ करते हैं वो मट्टी के अंदर शामिल होंगे और मट्टी जो है वो ज़रखेज़ हो जाएगी, इसलिए इनका काम भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है डीकम्पोजर्स का। तो डीकम्पोजर्स की वजह से ही डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और मिट्टी के अंदर ज़मीन के अंदर जो है वो शामिल हो जाते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने तीन चार बल्कि पांच डेफिनेशंस पढ़ी हैं, इनको आपने गौर से पढ़ना है। पहली डेफिनेशन है ओमनीवोर्स की, कि ऐसे एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स जो प्लांट्स भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। फिर हमने डेफिनेशन पढ़ी थी प्रोड्यूसर्स, प्लांट ग्रीन प्लांट्स को कहते हैं प्रोड्यूसर्स, क्यों कहते हैं, बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड, अपनी फूड कैसे बनाते हैं, बाय यूजिंग अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो ये ग्रीन प्लांट्स के अंदर ग्रीन लीव्स के अंदर ये प्रोसेस होता है। तीसरी चौथी डेफिनेशन में पढ़ी कंज्यूमर्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स हु डू नॉट मेक देयर ओन फूड आर एंड दे ओनली फीड ऑन द प्लांट्स एंड एनिमल्स, सो दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। तो ऐसे एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स जो सिर्फ और सिर्फ खाना इस्तेमाल करते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इन्हें बोलेंगे कंज्यूमर्स। और एंड पर हमने देखा द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जो कि डेड एनिमल्स और प्लांट्स को ख़त्म कर देते हैं, खा के उनको केमिकल में कन्वर्ट कर देते हैं, दीज आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स। तो वो उसको डीकम्पोज कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, उसको केमिकल्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे डेड एनिमल्स को और प्लांट्स को। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये वाला प्रोसेस होता है, अगर ये प्रोसेस ना हो तो पूरी दुनिया के अंदर फिर जो डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं वो तो ख़त्म ही ना हो, लेकिन ऐसे नहीं होता, वो कुछ दिनों के अंदर ख़त्म होते हैं इन छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स की मदद से। तो आज इसके लिए इतना ही है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।